ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड डिटेल में पढ़ा था, उसके हार्मोन्स रूल का रोल पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड सिक्रीशंस। जो थायराइड के हार्मोन्स हैं, अगर उनके सिक्रीशंस में कोई भी चेंज आ जाए, या हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन, तो वो लीड करता है डिसऑर्डर। सबसे पहले इसका मेन काज हम ढूंढेंगे यहाँ पे, इसका मेजर काज क्या है थायराइड सिक्रीशंस का। क्लियर? जो थायराइड सिक्रीशन है, इनका जो मेजर काज है, अगर इसमें हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल की, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड ये फंक्शन करता है आयोडीन पे। कल मैंने बताया था, इट नीड्स आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल की हेल्प से ये बनाता है थायरोक्सिन, जिसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। ठीक है? तो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल आयोडीन की बात करेंगे, नॉर्मल आयोडीन एक दिन में पर डे हमारे थायराइड ग्लैंड को कितना चाहिए, दैट इज 200 mg पर डे। 200 mg पर डे आयोडीन चाहिए हमारे थायराइड ग्लैंड को, इसके नॉर्मल सिक्रीशंस के लिए। ओके, नाउ इफ अगर ये आयोडीन कंसेंट्रेशन लेस देन 50 mg हो गया पर डे, नॉर्मल क्या है 200 mg पर डे, अगर यही कंसेंट्रेशन, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, आयोडीन डेफिशिएंट डाइट हम लेंगे, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर आयोडीन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। कितनी कम? इफ दिस कंसेंट्रेशन इज लेस देन 50 mg पर डे, इट लीड्स द हाइपोथायरॉइडिज्म। दैट मींस इट लीड्स द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन नहीं होगा तो यहां पे थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बनेंगे, T3 T4 नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये इसका मेन काज है। अब हम देखेंगे थायराइड के दो मेजर डिसऑर्डर यहां पे, वन इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड, सेकंड इज द हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायराइड। हाइपोसिक्रीशन थायराइड इज आल्सो नोन एज द हाइपोथायरॉइडिज्म, एंड हाइपरसिक्रीशन इज आल्सो नोन एज द हाइपरथायरॉइडिज्म। तो सबसे पहले हम आएंगे मेजर इसमें, दैट इज द हाइपोथायरॉइडिज्म, दैट इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म जो है, अभी मैंने बोला अगर इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से, दैट इज एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इट आल्सो इफेक्ट्स इन, सबसे पहले हम चाइल्ड की बात करेंगे, चाइल्ड में भी इफेक्ट करता है ये, एज वेल एज इन एडल्ट्स। क्या लिखा मैंने? हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्ड, हाइपोथायरॉइडिज्म इन एडल्ट्स। जब मैं चाइल्ड की बात करूंगा, जनरली ये इफेक्ट करता है अनबॉर्न चाइल्ड को, अनबॉर्न चाइल्ड। तो आप सोचोगे अनबॉर्न चाइल्ड, उसको कैसे फीड करेगा ये, वो तो खुद फीड नहीं करता है, उसका जो फीडिंग होता है, दैट इज हिज मदर इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर मां को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, I2 डेफिशिएंसी, चाइल्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मां को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जब ये चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा, आफ्टर बॉर्न द चाइल्ड इज स्टंटेड ग्रोथ, शोज द स्टंटेड ग्रोथ, नंबर वन सिम्टम। चाइल्ड में क्या होगा? स्टंटेड या स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। जो चाइल्ड है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मदर जब प्रेगनेंसी पीरियड्स में थी, तो उसने आयोडीन लेस डाइट लिया था, या उसकी उसके ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो गई थी। ठीक है? जब मैंने यहाँ पे कल आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आयोडीन डायरेक्ट नहीं करता है, एक्चुअली थायराइड हार्मोन्स करते हैं। लेकिन थायराइड हार्मोन्स कहाँ से बनेंगे? आयोडीन से। जब थायराइड हार्मोन नहीं होंगे, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा। जब बॉडी में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बॉडी के अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो चाइल्ड होगा उसकी नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी। ओके,
स्टंटेड ग्रोथ, इसी का नाम है क्रेटिनिज्म. द चाइल्ड लीड्स द क्रेटिनिज्म. ओके, शॉर्ट ग्रोथ. एक और इफेक्ट पड़ेगा चाइल्ड पे. कल मैंने आपको पढ़ाया थायरॉक्सिन हार्मोन T3 T4 आर आल्सो यू आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ. जब बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा, तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. दैट मींस द चाइल्ड आफ्टर बर्थ इज मेंटली रिटार्डेड. मेंटली रिटार्डेड होगा ये. दैट मींस इसका जो आईक्यू होगा, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, दैट इज वेरी लो. इसका आईक्यू पावर बहुत ही कम होगा. ठीक है. इट आल्सो अफेक्ट्स इट्स मेमोरी. दैट मींस लॉस ऑफ मेमोरी. इस बच्चे की मेमोरी जो है वो मेमोरी पावर बहुत ही कम होगा. क्यों? क्योंकि माँ के पेट में ही यानी कि डेवलपमेंट के दौरान ही इसका इसको यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉइड हार्मोन हो गया था. ठीक है. और एक चीज, जो ये चाइल्ड है इसकी जो लिप्स है, लिप्स आर ब्रॉडर. ठीक है. जो इसकी टंग है वो अक्सर बाहर रहती है मुंह से. दैट इज ओपनड माउथ. ठीक है. लार्ज साइज्ड टंग. ठीक है. तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो चाइल्ड में होगा. एक और चीज है यहां पे, एबनॉर्मल स्किन. जो ये चाइल्ड होगा इसकी स्किन जो है वो एबनॉर्मल होगी, उसमें रैशेस होंगे, वो स्किन जो है लूज होगी. ठीक है. और एक पॉइंट आपके आंसर में लिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफ म्यूटिज्म. डेफ म्यूटिज्म सिंपली क्या है? लॉस ऑफ हियरिंग. चाइल्ड जो है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो क्या होगा? बहरा होगा, सुन नहीं पाएगा प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी. ओके. तो दिस वाज ऑल अबाउट द चाइल्ड, हाइपोथायरायडिज्म इन चाइल्ड. नाउ अगर मैं अडल्ट की बात करूंगा तो अडल्ट में ये डिफरेंट तरीके से इफेक्ट लीड करता है. तो अडल्ट की बात करेंगे. नाउ अडल्ट, जब मैं अडल्ट की बात करूंगा यहां पे, सबसे पहले इन केस ऑफ अडल्ट द हाइपोथायरायडिज्म लीड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. नंबर वन इज नोन एज गोइटर, लीडिंग डिजीज है ये. नंबर सेकेंड इज नोन एज मिक्सोडिमा, ये भी एडल्ट में ही कॉज होता है. एंड नंबर थर्ड इज नोन एज द हाशिमोटो डिजीज. ये तीनों जो है अडल्ट में इफेक्ट होती है. चलो नंबर वन गोइटर पे आ जाओ. गोइटर क्या है? सिंपली जब ब्लड के अंदर लेस देन 50 mg आयोडीन होगा पर डे, इट लीड्स द गोइटर. गोइटर में क्या होता है? सिंपली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, द थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर, कल मैंने आपको बोला थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स दैट एनलार्जेस इन साइज, क्यों वो साइज में एनलार्ज होते हैं? जब वो साइज, जब थायराइड फॉलिकल अपना साइज बढ़ाएंगे, दैट मींस जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड साइज में बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द नॉर्मल फॉलिकल, अगर ये नॉर्मल थायराइड फॉलिकल सेल्स है, ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? बाहर से ब्लड से आयोडीन मिलता है, लेकिन अभी ब्लड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन कम है, तो ये आयोडीन इन सेल्स को नहीं मिल सकता है.
तो क्या करेंगे ये सेल्स साइज अपना बढ़ाएंगे इन ऑर्डर टू ओवरटेक द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इस तरह से ये साइज बढ़ाएंगे, इस तरह से ये सेल्स जो है ये साइज बढ़ाएंगे। जैसे ये साइज थायराइड फॉलिकल साइज अपना बढ़ाएंगे तो ये ग्लैंड जो है साइज में इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल साइज था इस ग्लैंड का तो ये साइज बढ़ेगा। दैट मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड्स द गोइटर। ओके, इसको हम नाम देते हैं सिंपल गोइटर, नोन एज द सिंपल गोइटर। और इसी का एक और नाम है कोलाइडल गोइटर, कोलाइड गोइटर, कोलाइड। कल मैंने बोला जो यहां पे स्क्रीन होते हैं T3 T4, इन सेल्स के ल्यूमेन के अंदर ये स्पेस बढ़ जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है और ये हमारे थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोलाइडल गोइटर, आल्सो नोन एज एपिडेमिक गोइटर। कितने नाम है इसके? तीन नाम है, सिंपल गोइटर, कोलाइडल गोइटर और एपिडेमिक गोइटर। तो बोला मैंने यहां पे साइज बड़ा हो जाता है, तो जो नेक है नेक के पास यहां पे एक लंप जैसा बाहर आता है, ठीक है, स्वेलो, स्वेलोन नेक, ठीक है, जस्ट लंप लाइक स्ट्रक्चर इन द नेक। कुछ केसेस में यहां पे एक बाल जैसी बाहर आती है, ऐसे कुछ केस में पूरा नेक जो है वो स्वेलो अप हो जाता है, ठीक है, ये गोइटर था। नाउ मैक्सोएडिमा क्या है? ये भी एडल्ट्स का डिसऑर्डर है, दिस आल्सो द डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन एडल्ट्स। मैक्सोएडिमा पे आ जाओ, मैक्सोएडिमा भी किसका काज है? दिस आल्सो द हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है मैक्सोएडिमा में? सबसे पहले यहां पे कुछ सिम्टम्स है इसके, सिम्टम्स से पहले एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इट इज आल्सो नोन एज गलस डिजीज, इसका दूसरा नाम है गलस डिजीज, आल्सो नोन एज गलस डिजीज। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ फीमेल्स ये सबसे पहले डिस्टर्ब करता है मेनस्ट्रुअल साइकिल को, इट डिस्टर्ब्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है एंड प्यूबर्टी को ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नंबर सेकेंड, फॉल ऑफ हेयर्स, फॉल ऑफ हेयर्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इसी का नाम है मैक्सोएडिमा। नंबर सेकेंड सिम्टम इज फॉल ऑफ हेयर्स, बाल जो है सर के वो झड़ जाते हैं। नंबर थर्ड, इसमें क्या होता है, क्योंकि हार्मोन कम है, थायराइड हार्मोन कम है, दैट इज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है इसकी डेफिशिएंसी हो गई ब्लड के अंदर, बनता ही नहीं है, निकलता ही नहीं, कम निकलता है, इसे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म, दैट ऑल्सो गोज टू डिक्रीज। मैं लिखूंगा यहां पे कार्बो मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये तीनों का मेटाबॉलिज्म है, इसकी रेट कम हो जाएगी। दैट मींस नॉर्मल लेवल से जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म था वो बहुत ही कम होगा। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि जब फैट हमारे लिवर सेल के अंदर स्टोर होता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेस होती है, वो ग्लूकोज बनाता है, लेकिन अगर यहां पे फैट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो फैट जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर ऐसे ही रहेगा। जैसे ही फैट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो हमारे स्किन के अंदर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट अंडर स्किन, फैट जो है इसकी मेटाबॉलिज्म यहां पे डिक्रीज होगी, कम होगी, तो ये फैट जो है ये डिपॉजिट होगा हमारे स्किन के अंदर। जैसे ही फैट डिपॉजिट होगा स्किन के अंदर, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। दैट मींस यहां पे मैक्सोएडिमा ड्यू टू द हाइपोथायरायडिज्म लीड्स द इंक्रीज इन बॉडी वेट,
बॉडी वेट यहां पे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहां पे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से बहुत कम है, ठीक है। और एक सिम्टम है इसका मैक्सोएडिमा का, इट ऑल्सो इफेक्ट द स्किन कलर, स्किन कलर को भी ये इफेक्ट करता है इनके साथ अदर्स। और एक यहां पे है एडिमा, अभी मैंने बोला यहां पे फैट जो है वो डिपॉजिट होता है अंडर स्किन, जिसकी वजह से बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपर डिपॉजिट प्रॉपर यहां पे फैट की डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, यहां पे एडिमा। इट आल्सो कॉज़ द एडिमा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जैसे कि इनके सब फीमेल्स डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्यूबर्टी। इट आल्सो एक और सिम्टम इसका, इट आल्सो लॉस द सेक्सुअल पावर, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ इसके सिम्टम्स है, इनको हम मिला के बोलते हैं मैक्सोएडिमा, ठीक है, या मैक्सोएडिमा डिजीज। नाउ लास्ट वन इज द हशिमोटो, थर्ड डिसऑर्डर हशिमोटो, जहां पे लिखूंगा मैं हशिमोटो डिजीज। हशिमोटो डिजीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसे ऑटो इम्यून डिजीज है? इट्स ऑटो इम्यून डिजीज ऑल्सो नोन एज ऑटो इम्यून थायराइडिटिस, ऑल्सो नोन एज ऑटो इम्यून थायराइडिटिस, दूसरा नाम है हमारे हशिमोटो डिजीज का। इसमें सिंपली क्या है, जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन जो है इट एक्ट्स एज द एंटीजन ऑफ द बॉडी, ये याद रखना, एक्ट्स एज एंटीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एंटीजन ही काम करता है, यानी कि बॉडी के खिलाफ काम करता है, बॉडी के ग्लैंड्स के खिलाफ, बॉडी के सेल्स के खिलाफ, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। किसी भी काज, कोई भी काज हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, क्लियर। ऑटो इम्यून डिजीज इतने सारे काजेस हैं कि हम ये बोल नहीं सकते कि कौन सा काज यहां पे एब्रप्ट हो सकता है। सिंपल याद रखो, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन, अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन एक्ट करेगा एज एंटीजन, तो बॉडी के खिलाफ जब भी एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अवर बॉडी दैट इज अवर इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ये एंटीबॉडीज सबसे पहले देखेंगे कि ये एंटीजन्स कहां से आते हैं, ये एंटीबॉडीज का रोल क्या है, इन एंटीजन्स को वॉच करना कि ये एंटीजन्स कहां से आते हैं। एंटीजन्स कहां से आते हैं, थायरोक्सिन एंटीजन है, वो एंटीजन थायरोक्सिन कहां से आता है, थायराइड ग्लैंड से। तो ये एंटीबॉडीज चले जाएंगे इसके सोर्स पे, जहां से ये थायरोक्सिन निकलता है, जहां से ये एंटीजन्स निकलते हैं, ये एंटीबॉडीज उसके सोर्स पे जाएंगे और उस सोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज का काम यही है कि जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ एक्शन करना, उसको मारना, उसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करना। तो ये इस थायराइड ग्लैंड पर आएगा, ये थायराइड ग्लैंड था हमारा, तो इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर अब ये एंटीबॉडीज एक्ट करेंगे और इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे ही एंटीबॉडीज के द्वारा खत्म किया जाएगा, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून थायराइडिटिस। ये भी एक काज है हाइपोथायराइडिज्म का, ये भी एक काज है हाइपोसेक्रेशन ऑफ टीएच का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ एडल्ट्स,
कितने डिजीज आते हैं यहाँ पे, कहा होते हैं थ्री. नंबर वन इज हशिमोटो डिजीज, नंबर सेकंड क्या बोला मैंने, गोइटर, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल गोइटर. और नंबर थर्ड क्या बोला मैंने, दैट इज द हशिमोटो डिजीज. ओके, तो चलते हाइपरथायरायडिज्म पे. दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपोथायरायडिज्म. नाउ हाइपोथायरायडिज्म, इस पे आ जाओ, हाइपरथायरायडिज्म पे. हाइपर थायरायडिज्म, अभी इससे पहले मैंने हाइपोथायरायडिज्म पढ़ा, इसका काज मैंने बताया आपको. नाउ इसका काज अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द मेन काज ऑफ हाइपरथायरायडिज्म, का मेन काज क्या है हाइपरथायरायडिज्म. जब सिक्रीशन ऑफ T3 T4 की सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, उसको हम नाम देते हैं हाइपरसिक्रीशन. काज क्या है इसका, फर्स्ट वन इज थायराइड कैंसर. थायराइड ग्लैंड की सेल्स में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, थायराइड नोड्यूल्स को हम बोलते हैं, ठीक है, या नोड्यूल्स ऑफ थायराइड. नोड्यूल्स ऑफ थायराइड क्या है, थायराइड के अंदर लंप ऑफ सेल्स या मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. थायराइड फॉलिकल्स का नंबर जब एबनॉर्मलिटी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है थायराइड फॉलिकल का काम क्या है, T3 T4 स्क्रीड करना, ठीक है. तो यहां पे एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 अकर्स. एबनॉर्मल मींस नॉर्मल से ज्यादा, मोर देन द नॉर्मल, ठीक है, ये इसका मेजर काज है. एक तो थायराइड कैंसर, सेकंड इज द एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ थायराइड नोड्यूल्स. नाउ सिम्टम्स क्या है इसके, इससे एक डिजीज काज होती है, उस डिजीज को हम कॉमनली बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज. कैसे होती है ग्रेव्स डिजीज, यहां पे एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा ग्रेव्स डिजीज का, इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि हाइपरसिक्रीशन क्यों होती है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है. कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीक्रेट, शाबाश, टीआरएच. TRH किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे. ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड TRH की थेरेपी क्या रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही आएगा, ये एक्ट करता है ऑन थायराइड ग्लैंड. ओके, और थायराइड ग्लैंड TSH की केने पे क्या सीक्रेट करता है, T3 T4. और ये T3 T4 में से T3 क्या काम करता है, ये नेगेटिव फीडबैक किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और किसको, हाइपोथैलेमस को, कि अब हमारे पास आप TSH बंद करो कि T3 और T3 की सिक्रेशन बॉडी में अब नहीं चाहिए, दैट्स व्हाट हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. हार्मोन सिक्रेट करने के बाद यही हार्मोन वापस चला जाता है अपने सोर्स पे और उसको स्टॉप करता है, उसको ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. ये नॉर्मल लेवल की बात है, ठीक है, नॉर्मल जिससे बॉडी में होता है. अब ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं. ओके, दीज आर द एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज इतने खतरनाक है कि ये एंटीबॉडीज जस्ट रोल प्ले करते हैं टू दैट ऑफ द TSH. दे मिमिक्स, मैं लिखूंगा यहां पे एंटीबॉडी इन द बॉडी जस्ट लाइक मिमिक्स द TSH. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से जुड़ता है, पिट्यूटरी से. और इनके रिसेप्टर जो है, मैंने कल आपको बताया था, अगर ये थायराइड फॉलिकल है, दिस इज थायराइड फॉलिकल, थायराइड ग्लैंड के अंदर
इसके ऊपर रिसेप्टर रहते हैं, किसके रिसेप्टर, TSH के रिसेप्टर। ये यहां से TSH हार्मोन आता है और ये अपने रिसेप्टर के साथ यहां पे बाइंड होता है। तो ये TSH रिसेप्टर किसके लिए है, TSH के लिए। अभी मैंने बोला ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक दैट ऑफ द TSH। अब ये एंटीबॉडी उठ के यहां पे बैठती है, ये एंटीबॉडी आके यहां पे बैठेगी इस रिसेप्टर के पास, इधर देखो ऐसे ये बैठ गई यहां पे, ठीक है। इसको क्या लगा, थायराइड फॉलिकल क्या लगा, क्या आया TSH, इवन कि ये TSH नहीं है, TSH फॉर एग्जांपल यहां पे सीक्रेशन की बंद होगी, लेकिन फिर भी ये एंटीबॉडी जिसका स्ट्रक्चर इस थायराइड, जिसका स्ट्रक्चर ये एंटीबॉडी जिसका स्ट्रक्चर TSH के साथ मिलता है, ये आके बैठ गई इस रिसेप्टर के ऊपर और इस थायराइड फॉलिकल को लगता है कि पिट्यूटरी से क्या आया TSH, तो ये अपना T3 और T4 रिलीज कंटिन्यू करता है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी में T3 और T4 की लेवल बढ़ जाती है, ये भी एक काज है हाइपरथायरॉइडिज्म का। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म इस मैकेनिज्म से हो रहा है तो इसी को हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, क्यों ऑटोइम्यून डिजीज है, यहां पे हमारे ही बॉडी के हमारी एंटीबॉडीज ने हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ग्लैंड के खिलाफ काम किया। ये काम किसको करना था, TSH को, लेकिन काम किसने किया, एंटीबॉडी ने, ओके। तो दिस आल्सो एन ऑटोइम्यून डिजीज, आल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ओके। नाउ सिम्टम्स ऑफ द ग्रेव्स डिजीज, क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में, ग्रेव्स डिजीज में याद रखना एंटीबॉडीज बनते हैं, जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, जो एंटीबॉडीज का फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ द TSH होता है, थायराइड सेक्रेटरी हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी की जैसा होता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, मेजर सिम्टम नंबर वन, क्योंकि अभी बॉडी में हार्मोन ज्यादा आ रहा है, जब बॉडी में हार्मोन ज्यादा आ रहा है आप मुझे बोलो कार्बोहाइड्रेट फैट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। जब फैट का डिपोजिशन, जब फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, क्या बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नो एक्स्ट्रा फैट इन बॉडी, दैट मीन्स बॉडी में जितना भी सोर्स बचा हुआ होता है उसको ये डिग्रेडेड करता है, उसकी ये डिकम्पोज करता है, क्यों, क्योंकि हार्मोन का काम ही यही है, ओके। अगर ये नॉर्मल से ज्यादा आया तो नॉर्मल से ज्यादा काम भी करेगा, तो इसलिए बॉडी वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हमारे बचे हुए सोर्सेज ज्यादा खर्च होने लगेंगे बॉडी का वेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बॉडी का वेट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस द बॉडी वेट। तो इसकी फंक्शन जो है हाइपरथायरॉइडिज्म इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो में क्या होता, वेट बढ़ा था, अभी मैंने बोला इसमें क्या हुआ, वेट कम हो रहा है बॉडी का, रीजन इज दिस, ओके। नाउ सेकंड, व्हाट अबाउट BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, आल्सो इंक्रीज, क्यों, हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा, BMR ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस, जब बॉडी का BMR इंक्रीज हो जाएगा, आप मुझे बोलो ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा यूज बॉडी करेगी या कम करेगी, ऑक्सीजन कंजप्शन will also increase, O2 consumption will also increase, जब O2 consumption increase हो जाएगी, आप मुझे बोलो breathing rate का क्या होगा, also increase, breathing rate और respiration rate will also increases, जब breathing rate increase हो जाएगा, बताओ circulatory system का क्या होगा, heart will beat faster, क्यों, क्योंकि cells को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज देना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो इंक्रीजेस, नंबर 4 ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो इंक्रीजेस, जब ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगी, व्हाट अबाउट द हार्ट बीट हार्ट बीट विल ऑल्सो इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट अबाउट पल्स रेट also increases, what about BP also increases, okay, किसका कारण है ये, hyperthyroidism का, okay।
जब ये सब चीजें इंक्रीज हो जाएगी, आप मुझे बोलो यहां पे ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से ऑक्सीजन फास्ट हो रही है, आप मुझे बोलो एटीपी सिंथेसिस का क्या होगा? व्हाट अबाउट एटीपी सिंथेसिस? मोर और लेस? मोर एटीपी सिंथेसिस इन द बॉडी। जब भी सिंथेसिस एटीपी की ज्यादा होगी, कल मैंने आपको बोला वहां पे क्या निकलती है सेल से, मोर एनर्जी। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो सेल का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। पेशेंट के अंदर ये कंडीशन होती है, वो पेशेंट एक्सट्रीमली हॉट रहता है, ठीक है, उसकी स्वेटिंग ज्यादा होती है क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर एब्रप्टली बढ़ जाता है इन कंडीशन से। तो ये सब सिम्टम्स जो है ये हमारी ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम्स है। ओके, अब मैं कुछ आपको कुछ डायग्राम्स बताना चाहता, दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो अभी जो जो हमने सिम्टम्स पढ़े, जैसे हमने क्रिटिनिज्म पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है मैग्जोडिमा, अभी हमने पढ़ा है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं भूल गया, ग्रेव्स डिजीज में और क्या एक चीज होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म में और एक चीज होता है, जो ये पर्सन है इसकी जो आईज होते हैं वो सॉकेट से बाहर आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टंटेड आईज या बल्ज्ड आईज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्ज्ड आईज हाइपरथायरॉइडिज्म में, बल्ज्ड आईज जो है वो सॉकेट से बाहर आते हैं, यानी कि वो आदमी को लगे वो साइड वाइज देखेगा, ऐसे साइड व्यू में आईज को देखेगा, वो आईज ऐसे इस आई सॉकेट से, इस ऑर्बिट से बाहर आते हैं, ठीक है। और एक क्यों वो बाहर आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे आईज का जो एरिया होता है यहाँ पे म्यूकस जमा होता है, इसलिए ये जो यहाँ पे स्किन होती है ये थोड़ा बल्जिड होती है, स्वेलो हो जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा स्वेलो द स्किन नियर आईज या बिलो द आईज, क्योंकि उसमें म्यूकस की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है, म्यूकस की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बल्ज्ड आईज, ठीक है, एंड स्वेलो स्किन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो डायग्राम्स एक एक करके विथ नेम। देखो सबसे पहले हमने गोइटर पढ़ा, गोइटर से पहले हमने पढ़ा क्रिटिनिज्म, ठीक है। दिस इज द चाइल्ड, जो पहले अनबॉर्न चाइल्ड था, इसके मदर में डेफिशिएंसी हो गई थी आयोडीन की, थायरॉइड डेफिशिएंसी हो गई। तो देखो ओपन माउथ, ठीक है, ओपन माउथ, ये माउथ जो है ये ओपन रहता है इसका, ठीक है। टंग जो है ये बाहर है, जो मैंने सिम्टम्स में लिखा, ठीक है। इसकी जो देखो दिस इज द नेक, नेक और बॉडी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, हेड नेक और बॉडी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये देखो हेड कितना बड़ा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिटिनिज्म, ठीक है। ये चाइल्ड जो है ये मेंटली भी रिटार्डेड है और इसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है और ये चाइल्ड डेफ है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गोइटर, ठीक है, ये देखो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, ये गोइटर की कंडीशन में है, गोइटर की कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जो है ये साइज बढ़ जाता है, देखो कितना बड़ा होता है साइज इसका, क्लियर। और इसे क्या होता है, ये देखो दिस दिस इज गोइटर, ये देखो कितना बाहर आया ये, ओके, ये देखो ये जो नेक का रीजन है पूरा यहां पे एक बाल जैसा बना है, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं सिंपल गोइटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मिक्सोएडिमा, मिक्सोएडिमा में क्या होता है, देखो एडिमा, मिक्सोएडिमा, ये देखो इस पेशेंट की लेग्स जिसमें मिक्सोएडिमा होता है, जस्ट बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट होता है, इसके साथ वाटर भी डिपॉजिट होता है स्किन के अंदर, और ये स्किन जो है वो स्वेलो लगती है, इसको हम बोलते हैं एडिमा, ठीक है। और एक ये देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा था आपको बल्ज्ड आईज, बल्ज्ड आईज अगर हम साइड वाइज देखेंगे, ये देखो आई सॉकेट से कितनी बाहर आई है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखेंगे इस पेशेंट के, ये देखो जो अभी बोल रहा था मैं, नियर स्किन नियर द आईज, आईज के पास में जो स्किन होती है उसमें क्या है, स्वेलोनेस आई, ये देखो यहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये देखो हियर, देखो दिस इज ड्यू द एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस नियर द आईज, ओके। तो और क्या रहा इसमें, हाँ दिस इज, ये पेशेंट जो है पूरा नेक जो है स्वेल हो गया है, ठीक है। यहां पे दिस इज द काज ऑफ ग्रेव्स डिजीज,
ग्रेविस इसमें और एक चीज है कि जो थायराइड ग्लैंड का साइज है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखो पूरे नेक का साइज जो है वो बड़ा है, दिस इज द ग्रेविस डिजीज, ग्रेविस डिजीज का काज है। मैं लिखूंगा यहां पे पॉइंट, द ग्लैंड एक्सटेंड्स इन साइज, दोनों कंडीशन में, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक गोइटर, एक्सोथर्मिक गोइटर बताया मैंने, नहीं बताया, दिस इज नोन एज, आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक गोइटर। ओके, एक्सोथर्मिक गोइटर बोलो, ग्रेविस डिजीज बोलो और हाइपरथायरॉयडिज्म बोलो, ठीक है। तीनों कंडीशन में क्या होगा, ये इसके सिम्टम्स है, प्लस इसके साथ क्या होगा यहां पे, एबनॉर्मल साइज ऑफ द नेक, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो वाज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थैंक यू वेरी मच।